हे गाइस, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हो मेरे भाई? गाइस, या आप 10,000 रुपये के अंदर कोई बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो जिसके साथ आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाओ एंड वहां पे आपको अच्छा डिस्प्ले, एक हायर रिफ्रेश रेट के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाए और अच्छा यहां पे क्वालिटी का फोन देखने को मिल जाए, यहां पे इस लिस्ट के अंदर गाइस एक नॉन चाइनीज का भी स्मार्टफोन आपको बताने वाला हूं। 3 ऐसे कमाल के स्मार्टफोन जो कि आपको अंडर 10,000 देखने को मिल जाते हैं और मैं कहूंगा फिलहाल ये वैल्यू फॉर मनी आपको तीनों स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। सो गाइस, अभी कोई आप फोन परचेज करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपको यहां पे आपके सारे के सारे डाउट हैं जो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, नंबर 3 के ऊपर आता है हमारे पास इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स हॉट 11S। यस गाइस, ये डिवाइस काफी कमाल का और अपने प्राइस के अंदर काफी सही स्पेक्स आपको प्रोवाइड करता है इन्फिनिक्स। हालांकि इन्फिनिक्स का है बट काफी अच्छा है। 8.8 mm की थिकनेस के साथ आता है, 3.5 mm जैक देखने को मिलता है, ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, फेस अनलॉक और रियर में बैक साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 18 मोड का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G88 ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि 12 nm बेस्ड है और काफी अच्छा और काफी तगड़ा प्रोसेसर है और 10,000 रुपए के अंदर आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 inches का फुल HD एक IPS पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, 90 GHz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ये काफी अच्छी बात है भैया। यहाँ पे 15-20 हज़ार वाले फोन के अंदर भी आजकल जो 90 GHz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है बट आपको यहाँ पे 10,000 के अंदर भी देखने को मिले तो ये काफी कमाल की बात है। 180 का टच सैम्पलिंग रेट है और 500 की नीट्स ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो गाइस, इंडोर आउटडोर भी आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक की तरफ, 50 MP का मेन कैमरा सेंसर और 8 MP का सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलता है। फुल HD के साथ आप यहाँ पे 30-60 FPS पे शूट कर पाओगे। एंड फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो गाइस, 4+64 GB रैम वेरियंट वाला आपको 10,500 रुपए के अंदर देखने को मिलता है और जब सेल वगैरह या फिर आप कार्ड वगैरह लगा के इसको परचेज करोगे तो ये आपको 9.5 या 10,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको यहाँ पे और देखने को मिल जाएगा। एंड ये काफी कमाल का फोन है, अगर आप इन्फिनिक्स का फोन कोई डिवाइस लेना चाहते हो तो इस फोन की तरफ जा सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर आता गाइस, यहाँ हमारे पास 1 साल पुराना माइक्रोमैक्स इन नोट 1। एंड गाइस, इस प्राइस के अंदर अभी भी मैं कहूंगा कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। 6.6 inches के फुल HD IPS पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, 60 GHz का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G85 12 nm बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर, एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, 18 मोड का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर 10 के ऊपर आता है बट 11 आपको देखने को मिल जाएगा जब आप परचेज करोगे, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आपको देखने को मिलता है। एंड गाइस, कैमरा की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 5 MP प्लस 48 MP प्लस 2+2 एंड काफी तगड़ा कैमरा सेटअप है, 16 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। बैक की तरफ से आप गाइस यहां पे फुल HD में 60 FPS तक वीडियोस को शूट कर पाओगे एंड फ्रंट पे 30 FPS पे वीडियोस को शूट कर पाओगे। अनदर फीचर की बात करें तो फेस अनलॉक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5 mm जैक एंड बिल्ड क्वालिटी इस डिवाइस की काफी अच्छी है। 3.5 mm जैक जैसे आपको जायरो कंपस वगैरह जैसे फीचर्स भी देखने को आपको सेंसर में मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो गाइस, 4+64 GB रैम वेरियंट आपको कुछ 9,500 रुपए के अंदर देखने को मिलता है बट गाइस, ऑफर और कार्ड वगैरह लगा के ये डिवाइस भी आपको 8,500 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये 8,500 रुपए तक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस अभी भी निकल के आता है और काफी कमाल का और नॉन चाइनीज ब्रांड, काफी मजबूत डिवाइस है गाइस। सो गाइस, फाइनली इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 के ऊपर आता है हमारे पास टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो स्पार्क 8 प्रो। एंड गाइस, ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है और कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया गया था और काफी कमाल के स्पेक्स के साथ आता है। 6.5 inches की फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, 60 GHz रिफ्रेश रेट के साथ, 120 का यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट, 500 की नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है, फुल HD डिस्प्ले है। सो गाइस, काफी अच्छी डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करें मीडियाटेक हेलियो G85 चिपसेट देखने को मिलता है, वही आपको सेम एंड काफी कमाल का चिपसेट है, गेमिंग चिपसेट है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे लेवल अप हो गया। एंड यहाँ पे अनदर फीचर की बात करें तो आपको फेस ID, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, जायरो कंपस, 3.5 mm जैक जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं एंड ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो गाइस, 4+64 GB वाला रैम वेरियंट आपको 10,000 रुपए के अंदर देखने को मिलता है एंड जब आप इसको भी सेल या कार्ड वगैरह लगाओगे तो आपको कुछ 1,500 रुपए का और भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, एंड आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। आपका एक फ्री वाला सब्सक्राइब कुछ भी नहीं जाता और थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।